conservation of surplus are expressed in terms of negative power of n, and numerical of that negative power is number of that negative power. Number of that negative power is known as समझ बात को बेसिकली क्या होता है log a plus log b, very good. इसको log भी क्या कह सकते हैं, minus log two
plus minus of 10 to the power minus 3 आए ना बराबर। आपको पता है आपने basics mathematics में तो मैं ये बात चलो पढ़ा होगा, 1 का पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, m log a लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं। तो अब ये minus 3 यहाँ आ जाएगा, plus 3 पे convert हो जाएगा, minus minus क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, तो minus log क्या हो जाएगा प्लस 3 log 10। log 10 की वैल्यू क्या होती है, तो अब ऐसे का वैल्यू क्या होगा, 3 माइनस log 2 मतलब log 2 की वैल्यू कितनी 0.3। ये कितना है समझ में, सबको तो समझ में, किसी को डाउट है, अच्छे से समझ में पक्का, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल आप शॉर्ट हो गए, ऐसे तो करते नहीं रहोगे तुम हर बार, तो हाई कैलकुलेशन में क्या करना, जो माइनस वाला पार्ट हो प्लस में चला जाएगा और प्लस वाला पार्ट क्या चला जाएगा, जो टेन का पावर होगा वो यहाँ लिखना माइनस डायरेक्टली, वैसे इतना क्या बहुत सारी मेरा कुछ स्टेप समझाने के लिए किया बट आप हिसाब से करेंगे, समझ में बात आपको आया ना। अब की बात अगर आप बात करूँ पीओएच POH, तो अगेन POH क्या होगा, OH माइनस का 10 का पावर माइनस 1, y बराबर क्या होगा मेरा POH होगा, देखिए लोगों को बहुत साइड POH को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ माइनस log of concentration of OH, basically PQ का PQ पर जो भी होगा आप किस फ्रेम में एक्सप्रेस करोगे माइनस log of something, बराबर बोल सकता हूँ मैं कि जैसे सपोज करो P का पावर शिवा, मैंने ऐसे माना P हो जाए तो P शिवा मैंने लिखा, तब फिर मैं माइनस log of concentration, एक एग्जांपल देता हूँ, जब भी जो P के ऊपर आ जाएगा तो वो हमेशा किस में एक्सप्रेस होता है माइनस log of something, आई बात समझ में, जब H हो वो H हो कुछ भी ले दे क्या फर्क पड़ता है, आई बात समझ में आया ना, सबको ये समझ में आया, अब की बार ठीक है, ये तो समझ में आया। Thank you.
का एक्सप्रेशन क्या होगा? जल्दी बोलो। आया यहाँ क्या, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हो, जब कॉमन आए कॉमन आता है, कॉमन आए तो ये फॉर्मूला कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से कॉमन आने का क्या मतलब है। बात समझ में आया ना आपकी बात? ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। तो ये स्टेप वाले ये पॉइंट इतनी जरूरत है, जब भी एक से ज्यादा के टाइम होंगे तो मल्टीपल स्टेप पर टूटेगा वो आपको निकाल के समझा दिया, तो नोट बना के चेंज होता है, समझ जाओगे ना? अब क्या ना, सपोज करो मैंने तीसरा एसिड लिया H3PO4, क्या होगा पहले स्टेप में कैसे टूटेगा बताओ? कितने H+ देगा, कितने देगा? 3 H+ देगा, जितने ऑक्सीजन है तो उससे ऊपर हाइड्रोजन देना चाहिए। तो पहले स्टेप में क्या करना है, देखो H प्लस H2 PO4 माइनस, अब H2 PO4 माइनस किस में टूटेगा? H प्लस H PO4, और H PO4 2 माइनस किस में टूटेगा? H प्लस PO4। ऐसा तो सोचा नहीं कि मेन बोर्ड में वो तो तुम जेई क्वालिफाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सबसे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ कि मैं कर सकता हूँ, अभी ऐसा नहीं किया देखो तुम तुमको मैं अलग पढ़ाऊंगा और इवन मान लो ओके मैच कर ले बिल्कुल सेम रहेगा, मैं ऐसा कभी पास नहीं कर सकता कि एक बोर्ड अलग चला पूरा डेडिकेशन से काम कर लिया रिजल्ट की गारंटी है, थोड़ा सा अच्छे से कर लो क्लास में उनसे अच्छा स्कोर करवा दो थोड़ा सा। अब कितने किए डिफाइन होंगे, कितने स्टेप हैं, तीन ऐसे डिसीजन के कांसेप्ट कितने होंगे, तीन होंगे, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, आया समझ में? क्या इनके एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत है, कर लोगे? माय क्वेश्चन इज दैट, देखो हमेशा याद रखना अगर मैं इनमें से बोलूं इसके के की वैल्यू ज्यादा होगी जब
तीनों एक्सप्रेस दे रहे हैं तो तीनों एसिड स्ट्रॉन्गर होगा। इसके मतलब ये आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसके लिए आपको k का वैल्यू पता होना चाहिए। भैया जिसका k की वैल्यू सबसे ज्यादा, क्योंकि आप k की किसी एक्सप्रेस में देखो k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका, तो जितना एक्सप्रेस निकलेगा ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। आई बात समझ में? इसको हमेशा याद रखना फर्स्ट स्टेप किसी भी मल्टीपल स्टेप में फर्स्ट स्टेप हमेशा स्ट्रॉन्गर एसिड स्ट्रॉन्गर माना जाता है, बाकी सारे क्या होते हैं। आई बात समझ में? इसमें भी देखो के वन के टू कौन सा बड़ा होगा, के वन बड़ा होगा, फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या माना जाता है स्ट्रॉन्ग माना जाता है, बाकी सारे क्या माना जाते हैं। कोई डाउट किसी में आता आया ना, आया ना, हमेशा याद रखना इन पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होता है, इनको पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉली मतलब एक से ज्यादा, प्रोटीन मतलब एच प्लस, प्रोटॉन एच प्लस ही होता है। पॉलीप्रोटिक एसिड में फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज इसका मतलब ये क्या होगा K1 बड़ा होगा A2 से, A2 बड़ा होगा A3 से, जितने स्टेप होंगे हमेशा फर्स्ट स्टेप में स्ट्रॉन्गर माना जाता है। यहाँ तक इसको डाउट है? एसिड का कॉन्सेप्ट समझ में आया? K के लिए K इसलिए डिफाइन होता है सिर्फ और सिर्फ वीक एसिड्स के लिए, और वीक एसिड में एक से ज्यादा प्रोटॉन होगा तो फर्स्ट स्टेप में उसके लिए क्या होता है स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, केस 2 के मैं बता रहा हूं, केस 2 मेरा हो गया आयंस के लिए। अब आयंस के लिए कैसे डिफाइन होता है,
Only for weak base and an
कर सके इस फॉर्म में रहता है एनएस4 हो गया क्योंकि आप देखो ना एनएस3 प्लस एस2 क्या देगा एनएस4 में क्या चल रहा है आज समझ सकते हो एनएस4 ओएच क्या देगा आपको एनएस4 प्लस और ओएच ये भी क्या होता है इसका एनएस4 प्लस ओएच माइनस एनएस4 अभी हमने के किसके लिए डिफाइन किया था एनएस4 प्लस के लिए डिफाइन किया था चीजें अलग अलग है तो आपको ये पहचानना पड़ेगा किसके लिए क्या चीज डिफाइन हो रही है समझ में आया सबको आया ना अब उसी चीज को उल्टा कर दो जेड एन वन चॉइस है ना इसी को उल्टा करो जेड एन वन चॉइस इसमें डिसोसिएट होगा जेड एन वन प्लस प्लस ओएच माइनस ठीक है चला गया फिर अगेन जेड एन ओएच प्लस किसमें डिसोसिएट होगा जेड एन प्लस टू और ओएच हो जाओ यहाँ तक पहले स्टेप के लिए मेरा क्या डिफाइन होगा दूसरे स्टेप के लिए क्या डिफाइन होगा इसके लिए हमने क्या डिफाइन किया था और मैं चीजें आपको हमेशा रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी क्या है ये कौन सा कुछ समझ रहे किसी को डाउट है इसमें कुछ भी थोड़ा सा पॉइंट डाउट है ठीक है अगर मैं के वी वन के एक्सप्रेशन की बात करूं लेट इट बी के वी वन के एक्सप्रेशन क्या होगा तो जेड एन ओएच प्लस ओएच माइनस अपॉन जेड एन ओएच प्लस के वी टू का एक्सप्रेशन क्या होगा जेड एन प्लस टू ओएच माइनस जेड एन ओएच एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है कैसे लिखना आपको एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखो मैं हमेशा टेक्निकल टू मेथड बोलता हूं एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके बारे में समझ में आ रहा है पक्का ये सो है एंड ये सो है एनालिसिस की बात करते हैं सपोज करो CS3COO- ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा आपको जल्दी बोलो CS3COO क्योंकि ये आयन है तो इससे क्या पूछेगा कैटायन पूछेगा इसमें कैटायन कौन सा है H+ है क्या देगा बचा OH- इसके लिए क्या डिफाइन होगा Kb Kb किसके लिए डिफाइन होगा Kb डिफाइन होगा एसिटेट आयन के लिए दिस इज योर एसिटेट के किसके लिए डिफाइन होता था बस समझ में आ रहा है इसके लिए क्या डिफाइन करता है इसको समझ में आया आपको देखा सबको समझ में आया अच्छे से तो इसको मैं क्या लिखूंगा CH3COOH माइनस अपॉन CH3COO समझ में आया सबको आया ना अब की बात सेकेंड है मेरा CO3 2 माइनस दो एनायन दो नेगेटिव तो कितने स्टेप हो गए दो स्टेप हो गए दो के भी में डिफाइन हो गए इनका सो अगेन प्लस एस2 क्या कौन करूंगा हम फिर मैं HCO3 माइनस प्लस ओ एच माइनस सेकेंड स्टेप क्या होगा HCO3 माइनस अगेन वाटर के साथ क्या करेगा मेरा रिएक्शन करेगा वो क्या होगा फिर HCO3 प्लस ओ एच माइनस इसके लिए अगेन मेरे क्या डिफाइन
क्या होता है जनरेशन पीएच और पीओएच के बीच में कुछ याद है? देखो एच प्लस और ओएच माइनस मिला के क्या बनता है मुझे? अभी आपको समझ में नहीं आ रहा केरल में कैसा है, अगर मैं बोलो वाटर भी अगर कैसे डिसोसिएट हो रहा है बराबर, वाटर ऐसे डिसोसिएट हो रहा, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? एच प्लस ओएच माइनस बाय एसटू, और ये और ये मल्टीप्लाई का प्रोग्राम है मुझे एक नया कांस्टेंट मिलता है ये क्या होता है? एच प्लस और बस सबका हुआ
देखना लग गया हो रहा है क्या क्या लिख सकता हूँ
नहीं मारा था समझ में आया। यानी कहने का मतलब है अगर के एक मेरा क्या है एसिड है। देखो एसिड कौन सा मेरा सीएसी सोडा प्लस क्या उसका कॉन्जुगेट बेस नहीं है? सोचो क्या सीएसी सोडा प्लस मेरा सिस्टम कॉन्जुगेट बेस है या नहीं? हमें कल के पता है होता है एक एसिड प्लस का डिफरेंस होता है एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। याद है तो ऑफिस में बात है ये क्या है इसका कॉन्जुगेट बेस और बेस के लिए केवी डिफाइन करता है हमेशा तो एसिड और केवी उसका कॉन्जुगेट बेस किसके बराबर होता है के डब्ल्यू। या तो आप केवी ले लो बेस का तो उसका क्या हो जाएगा के कॉन्जुगेट एसिड इसके बराबर होगा आएगा समझ में। कितनों को बात समझ में आई प्लीज रेज करो सबको जैसे समझ में आए पक्का। इसलिए बोल रहा था मैं डेली रिवीजन कर क्या है अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ये पूरा चैप्टर ऐसा है कि स्टार्टिंग का पॉइंट एंडिंग तक यूज होता है। एक एक पॉइंट अच्छे से डेली पढ़ के ना डेली रिवाइज कर जाओ क्लास में। अभी देखो बहुत सारे बच्चों को ये बोल के दे कॉन्जुगेट ऐसे करना पड़ता है ना सबको रिवाइज कर दिया समझ में आया ना पक्का ये चीज क्लियर हुआ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पी के ए प्लस पी के पी इसके बाद आगे भाई माइनस को सम में ऐड कर दो पी के हो जाएगा प्लस पी के पी किससे बराबर होगा पी के डब्ल्यू के बराबर होगा। आई बताई बस आप सबको आ जाना। अब कुछ बातें भी क्या सीखने मिलती जैसे पी के ए तो मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस लॉग ऑफ ए आया ना मान के साथ कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये होगा पी के और के में रिलेशन क्या होगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पी के एंड के इनवर्स अरे सर पी एच और पी पी एच और एक्स प्लस में क्या रिलेशन होता है इनवर्स रिलेशन होता है। वैसे यहाँ पे होगा तो इसका मतलब ये होगा पी के इनवर्स प्रोपोर्शनल टू के। आई बात समझ में अब ध्यान समझना अगर k की वैल्यू हाई है k की वैल्यू क्या रही हाई pk की वैल्यू क्या रही लो pk की वैल्यू क्या रही ऐसे भी स्ट्रॉन्गर होगा या वीकर होगा ऐसे भी स्ट्रॉन्ग होगा या वीकर होगा अभी मैंने बोला k जितना हाई रहेगा स्ट्रॉन्गर ऐसे रहेगा या ऐसा बोल सकते pk जितना लो रहेगा ऐसे उतना और अगर k की वैल्यू लो रहेगी तो k की वैल्यू क्या रहेगी हाई एसिड क्या रहेगा क्या रहेगा वीक रहेगा। समझ में ये एसिड का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया। अब के बाद सेम चीज मैं बोलूं पी के वी बराबर जो होगा क्या होता है माइनस लॉग ऑफ के वी होगा। इसका मतलब पी के वी जो होगा पी के वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या मतलब लॉग के वी। अगर के वी की वैल्यू हाई रही के वी की वैल्यू हाई रही तो पी के वी की वैल्यू क्या रहेगी लो रहेगी। बेस स्ट्रांग रहेगा या वीक रहेगा स्ट्रांग रहेगा। बेस क्या रहेगा आपका स्ट्रांग रहेगा। और अगर KB की वैल्यू लो रही तो PKB की वैल्यू क्या रहेगी हाई तो बेस आपका क्या होगा आया समझ में सबको। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जो मैंने आपको बॉक्स में लिखा है इसको ये पॉइंट समझ में आया अच्छा समझ में आया। और अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या PK और PKB का बेस स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड के लिए डिफाइन आपको अभी मैंने बताया ना जब k डिफाइन नहीं होता pk भी डिफाइन नहीं होता ये स्ट्रांग और वीक आप कब बता रहे हो जब दो वीक एसिड है उसमें जब कंपैरिजन करना तो दोनों का pk की वैल्यू देख लो जिसकी ज्यादा लो रहेगी वो ज्यादा हाई वो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा या k की वैल्यू जिसकी ज्यादा k की वैल्यू स्ट्रांग रहेगी वो ज्यादा एसिड क्या होगा क्या होगा बताओ। अगर मानो
दो वीक एसिड है, अगर मान लो दो वीक एसिड है तो पीके के टर्म में आप कैसे डिफाइन करोगे, जिसका पीके की वैल्यू सबसे लो, लो पीके जितना लो ऐसे जितना स्ट्रांग है, या के की वैल्यू जितनी हाई ऐसे जितना स्ट्रांग है। सब पास समझ में? तो अगर कंफ्यूजन फिर भी हो रहा है तो सिर्फ एक टर्म क्या होगा, जो एक टर्म याद रखते हो उसका लो उसका हो, तो के लिए याद रखो के स्ट्रांगर एसिड के लिए ज्यादा हाई होता है और वीक एसिड के लिए। सही बात समझ सबको, कोई डाउट यहां तक सबको समझ में आया? बाकी बात ठीक है, अब हम मिलते हैं क्लासेस से। बाय बाय। एक तरफ हवा ना सकता
यही होता है आपका।
degree of water. 7 mass of coke. 7 mass of coke. Acha 7 mass. ठीक है. थर्ड जो है वो है आयनिक प्रोडक्ट. आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. ठीक है. यह इसको सेल आयनाइजेशन ऑफ वाटर भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? सेल आयनाइजेशन ऑफ वाटर. या इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो प्रोटोलिसिस. ये तीनों नाम किसके हैं? तीनों नाम किसके हैं? अरे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में ही केडब्ल्यू सोच बता सकता है. आया समझ में? H2O. देखो ऑटो मतलब अपने आप, प्रोटो मतलब प्रोटॉन, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन. अपने आप ये पानी का अपना ही मतलब समझ लो खासियत है पानी की कि अपने आप H+ भी टूट जाता है और OH- भी. बट एक ये है कि जितना H+ टूटता है उतना ही OH- भी टूटेगा. अपने आप टूटता है, करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. आया समझ सकते हो? आया ना? इसलिए H+ और OH- क्या देता है आपको? KW देता है. आया समझ में? मैंने अगर बोला टेम्परेचर T इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, समझना बात ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तो KW की वैल्यू क्या होती है? 10 रेज टू माइनस 14. तो PKW क्या हो जाएगा? 14. एक्सेप्ट 14. मान लो इसका पक्की बात. अगर मैंने टेम्परेचर मान लो लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर घटाने से T की वैल्यू की वैल्यू कम होगी. इसका मतलब के डब्ल्यू की वैल्यू लेस देन क्या होगा? 10 से माइनस 14. तो पी के डब्ल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 14. रिवर्स है. जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा. तो ये लेस देन 10 रेस टू माइनस 14 है तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 14. अगर मान लो टेंपरेचर इज ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस तो के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 10 रेस टू माइनस 14. इसका मतलब पी के डब्ल्यू क्या होगा? Solution. I need product.
करता है, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर एक्स प्लस ओ एच माइनस बराबर आ गया किसी सोल्यूशन में, सोल्यूशन का नेचर क्या होगा? न्यूट्रल नेचर का होगा। और अगर एच प्लस ओ एच माइनस से बड़ा हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? एच प्लस ज्यादा होगी मतलब एसिड नेचर ज्यादा है, सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक। और अगर मान लो एच प्लस कम है ओ एच माइनस से तो क्या होगा? और इतना बोलिंग पड़ा हुआ मिनिंग का नेचर को क्लास में ऐसा नहीं है मेरे अभी से लास्ट हाफ एन आवर से हो सकता है फाइनली जब तुमने आज बंद कर बंद किया तो मतलब भाई बोल हो रहा है क्या? अरे बैठ जा और मैं बता दे अंदर आपकी बात, ठीक है। सेकंड पॉइंट, योर वाटर इज न्यूट्रल एट ऑल टेंपरेचर। हर टेंपरेचर पे पानी क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ओवरऑल हमेशा क्या रहता है?
होगा तो पीके डब्ल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, समझ क्या नहीं है ये क्या समझ में आ रहा है समझ में Thank you.
Thank you.